अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हबीबा शेराज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो किसी ब्यूटी से रिलेट नहीं है, वो हमारे हेयर केयर से रिलेट है। आपको जिस तरह से नजर आ रहा होगा कि मैं इस दफा का जो रिव्यू लेकर आई हूँ जिस प्रोडक्ट का, तो वो है हमारे शैम्पू पैलेस अनियन एंटी हेयर लॉस शैम्पू। इसके बहुत सारे वेरियंट हैं, जिंजर है इसका और एंटी हेयर लॉस है, डैंड्रफ का है, मतलब बहुत सारे वेरियंट है। तो मुझे अपने बालों बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे थे और बहुत ज़्यादा मेरा हेयर लॉस हो रहा था, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि इसकी इतनी हाइप बनी हुई थी पहले इसकी, इसका ऑयल भी है, इसके शैम्पू भी है और इसका हेयर मास्क भी है, तो मैंने कहा चलें इसके शैम्पू को यूज़ करके देखते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने हेयर डाई करवाया था, तो उसके लिए जो है उसके बाद सबके साथ ऐसा ही होता है कि वो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें इसको यूज़ करके देखते हैं, तो रिव्यू की डिटेल पे बाद में जाएंगे, पहले देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमें मिलता है। हमें जैसे कि आम शैम्पू होते हैं, तो वो शैम्पू हमें कभी भी ऐसे कार्डबोर्ड पैकिंग में नहीं मिलते, तो ये जो शैम्पू है वो कार्डबोर्ड पैकिंग में मिलता है। इस तरह से 400 ग्राम जो है वो इसकी क्वांटिटी है, इस तरह से है ये। बैक पे इसकी यूसेजेस लिखे हुए हैं, कॉशन लिखी हुई है और इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मेड इन PRC है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ओपन करने पे ही हमें जो है शैम्पू कुछ इस तरह से मिलता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बैक साइड पे वही जिस तरह से कार्डबोर्ड पैकेट में बैक पे लिखा हुआ था, सेम वही चीजें मेंशन की हुई है, अरबी में भी लिखा हुआ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अब आते हैं कि ये है कैसा। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था और मेरे हस्बैंड के बालों में भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही थी और हेयर लॉस हो रहा था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। तो मैंने कहा इसको यूज़ करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ सुन चुकी थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसको मैंने यूज़ किया, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे जो है फ़ौरन 1 हफ्ते में या 15 दिन में मेरे बालों पर कोई फ़र्क पड़ा हो, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा इतना, क्योंकि इससे मेरे बालों को गिरते हुए बालों को, वही मैंने बहुत सारे मास्क, बहुत सारे DIY मास्क मैंने यूज़ करे। और जो है मैंने इससे पहले जो मैं आपको जिंजर मास्क और जिंजर शैम्पू बायो एक्वा का उसकी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ और उसकी वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लीज़ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो मैं जिंजर मास्क भी यूज़ कर रही थी और जो है बहुत सारे DIY हेयर मास्क भी मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन जो है उस वजह से, और ऑयलिंग मैंने बहुत अच्छी करी, क्योंकि मैं खुद अपना ऑयल घर में खुद ही बनाती हूँ, तो वो ऑयलिंग और ये सब चीज़ें मैंने करी तो थोड़ा मेरा फर्क पड़ा। ऐसा नहीं है कि जैसे ये मैंने, ऐसा होता है कि शैम्पू है और बहुत अच्छा है और आप जो है फ़ौरन लगाए 15-20 दिन में, 25 दिन में और 1 महीने में फ़र्क पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही थी कि ये हो कि मैं इसको यूज़ तो करती, कम से कम इसकी 1 बॉटल तो ख़त्म करती। तो जी है, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिर्फ इतना सा है, बिल्कुल फिनिश्ड हो चुका है भी। मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ये फिनिश हो चुका है और इसने बिल्कुल भी मेरे बालों में कोई इफेक्ट नहीं किया, मेरी तरफ से बिग नो है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे अच्छा मुझे बाय का जिंजर शैम्पू जो है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत सूट करा, उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। और इसको यूज करने से, अनियन हेयर एंटी लॉस शैम्पू, इसको यूज करने से मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी और बहुत ज्यादा ड्राई हो गए, बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे, फ्रीजी बहुत ज्यादा हो गए थे। तो मुझे तो, मेरी तरफ से तो बिग नो है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हो सकता है कि दूसरे लोगों ने जो है इनको इसको यूज किया हो और उसको उन लोगों को सूट कर गया हो। तो देखें, मैं हर दफा हर वीडियो में ये कहती हूँ कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर स्किन टाइप पे डिफरेंट वर्क करती हैं, मतलब किसी स्किन पे कुछ और जो है वो चीज़ वर्क कर जाती है, किसी स्किन पे कुछ और। तो इसी तरह से हेयर्स का भी मामला है कि किसके बालों में कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव हो जाती है, किसी के बालों में वो इफेक्टिव नहीं होती। मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया। हो सकता है कि मेरे, मैंने चूंकि डाई अपने बालों को डाई करवाया था आज से 6 महीने पहले, तो हो सकता है कि शायद वो जो होता है कि वो एक अमल होता है कि डाई करने के बाद या स्ट्रिक्ट स्किन करवाने के बाद जो है वो बाल ज़्यादा झड़ते हैं और ख़राब होते हैं, तो शायद इस वजह से ऐसा हुआ। तो मुझे, मेरे बालों पे इसने वर्क नहीं किया। जिन लोगों को वर्क किया है
हो सकता है कि उनके बालों में ना हुआ वो कलर्स, या उनके बाल ऐसे ही हों नेचुरली जो भी उनके हों। तो बहरहाल ये जो है शैम्पू मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ओपन करके देख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको यूज़ नहीं करा, मैंने इसको पूरा यूज़ किया और जो है बिल्कुल अब ये थोड़ा सा ही रह गया है, लेकिन इसने मेरे बालों में वर्क नहीं किया। ओपन करके मैं इसकी देखें, ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी में है, आम जैसे आम शैम्पू होते हैं उसी तरीके से ही है, ये देख सकते हैं। तो और जो है बहुत ज़्यादा जाग फोमिंग नहीं बनाता है, ये भी सच है कि बहुत ज़्यादा फोमिंग नहीं बनाता है। और जो है फ्रेगनेंस भी इसकी सही है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें अनियन है तो सिर्फ अनियन की ही स्मेल आएगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जो है हेयर्स पे वर्क किया हो तो वो ज़रूर इसको जो है वो यूज़ करें, और अगर जिनके नहीं किया, मेरे बालों को ये बिल्कुल भी जो है वो इसने जो है वर्क नहीं किया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो ये थी इसकी रिव्यू है। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगी, अच्छा इसको मैंने बाय लोकल मार्केट से यानी लोकल शॉप से ही किया है, और ये मुझे आई थिंक 500 में ये मुझे मिला था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे अच्छे शैम्पू ऐसे हैं जो 400 450 की रेंज में मिल जाते हैं आराम से, लेकिन ये मैंने बाय 500 में किया। तो एक तो इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी रकम देकर भी अगर आपको शैम्पू अच्छा ना मिले तो फिर वो जो है वो अफसोस की बात है। बहरहाल मेरे बालों में ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। तो जिनको वर्क किया है और जिनको अच्छा लगता है, हो सकता है कि सामने वाले को या दूसरे लोगों को ये जो है वो काफ़ी अच्छा लगे तो ज़रूर उसको बाय करें, और जिनको अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये थी आज की वीडियो, और मैंने कहा क्यों ना मैं इसको रिव्यू करूँ और डिटेल रिव्यू करूँ, तो इसलिए मैंने पूरा फिनिश कर कर ही मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो अब जो है जिन लोगों को मैं डिफरेंट अफोर्डेबल मेकअप के मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, तो उनको लेकर उन प्रोडक्ट को लेकर मैं बहुत सारे मेकअप लुक क्रिएट कर चुकी हूँ। तो इंस्टा पे अगर वो लोग फॉलो करना चाहे तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है वो लिंक मेंशन कर दूंगी, और जो है वो ज़रूर मेरे जो हैंडल को जो है वो फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।